आज हम ये देखेंगे कि आप घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी वेज दम बिरयानी बड़े ही सिंपल तरीके से कैसे बना सकते हो। और ख़ास बात इस रेसिपी की ये है कि ये रेसिपी मैंने उनसे सीखी थी जिनका खुद का मुंबई में एक रेस्टोरेंट है और वहाँ की बिरयानी काफ़ी पॉपुलर है। तो इस बिरयानी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मैरिनेट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए आधा कप दही। ये जो दही है ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें कलर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच इतनी हल्दी। फिर तीखेपन के लिए इसमें जाएगा 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको इस मैरिनेट को कितना स्पाइसी बनाना है उस अनुसार आप लाल मिर्च पाउडर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितना बिरयानी मसाला। ये मैंने घर का बनाया हुआ बिरयानी मसाला यूज़ किया हुआ है, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, मैं उसके वीडियो के लिंक आपको भेज दूंगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितना नमक और बस इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। आज तो हम ये वेज दम बिरयानी बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन सी बिरयानी की रेसिपीज देखनी है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। चलिए ये जो मैरिनेट है ये बनकर रेडी हो चुका है, तब हम इसमें कुछ सब्जी ऐड करेंगे। तो सब्जियों में यहाँ पर मैंने लिया है थोड़े से फ्रेंच बीन्स, गाजर, आलू। ये जो आलू है ये कच्चे ही है, हमें इनको उबालना नहीं है। इसी के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा मटर, शिमला मिर्च और फूल गोभी का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहो तो इसके साथ साथ पनीर का भी इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। तब इन सारी सब्जियों को हमें इस मैरिनेट में ऐड करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप जितना फ्राइड अनियन, जिसको हम बिरिस्ता भी कहते हैं। ये बिरिस्ता बिरयानी के अंदर बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ कि ये बिरिस्ता कैसे बनाना है। इस बिरिस्ता को बनाने के लिए आपको 6 से 7 प्याज लेने हैं और इसको आप इस तरह से लंबा लंबा चॉप कर लीजिए। फिर जब तेल मीडियम गरम हो जाए तब आपको इस प्याज को फ्राई करना है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो तेल है वो बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए और आपको उसको हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है, वरना प्याज बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे और फिर उसका जो फ्लेवर है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इस प्याज को आप मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें जब तक कि हल्के से ब्राउन नहीं हो जाते। इस बिरिस्ता का फ्लेवर बिरयानी में 4 चांद लगा देता है, तो इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। चले जब तक ये प्याज फ्राई हो रहे हैं तब तक आप मुझे ये बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो प्याज है ये हल्के से गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमें इसको थोड़ी देर के लिए और फ्राई करना होगा। अब ये जो प्याज है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इससे ज़्यादा इनको फ्राई मत करिएगा, क्योंकि बाहर निकालने के बाद भी इसका जो कलर है वो और डार्क हो जाता है। तो इसी समय पर इस प्याज को बाहर निकाल लीजिए। आप चाहो तो इनको एक टिश्यू पेपर या फिर किचन टॉवल के ऊपर निकाल सकते हो, ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये बिरिस्ता बनकर रेडी हो चुका है और अभी फ़िलहाल हम इसमें से सिर्फ 1/4 कप बिरिस्ता का है इस्तेमाल करेंगे। बाकी का जो बिरिस्ता है हम बाद में बिरयानी के अंदर यूज़ करने वाले हैं, तो उसको आप साइड पर बचा कर रखिएगा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते। ट्रस्ट में इसमें पुदीने का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, तो उसका ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया। अब बस इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो मैरिनेट है वो सब्जियों के ऊपर अच्छे से कोट हो पाए। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए सब्जी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, तब इसको ढक कर हमें इसे साइड पर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। जब तक ये रेस्ट करता है तब तक हम फटाफट से चावल उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चावल का इस्तेमाल किया है और बिरयानी बनाने के लिए हमेशा बासमती चावल का ही इस्तेमाल करें, और इस तरह के लॉन्ग ग्रेन चावल का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस चावल को आप पानी में 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर उसको वॉश करने के बाद हमें इसको पानी में तकरीबन 30 मिनट के लिए ऐसे ही भिगो कर रखना है। 30 मिनट के बाद इसमें से सारा पानी आप स्ट्रेन कर लीजिए और इस चावल को वापस पानी में एक बार वॉश कर लेना है। अब एक बड़ी सी कढ़ाई में आपको 8 से 10 कप जितना पानी ऐड करना है और इस पानी को आप हाई फ्लेम पर उबलने दीजिए। पानी के अंदर हम कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। तो पहले मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, 1 बे लीफ यानी कि तेज़पत्ता, 1 से 2 जावित्री, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काले मिर्च, 2 बड़ी इलायची जिसको हम काले इलायची भी कहते हैं, 6 से 7 हरे इलायची यानी कि छोटी इलायची, 2 स्टार एनीस यानी कि चक्रफूल। और अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून जितना नमक। नमक हम इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो चावल है वो फीके ना लगे। अब बस आप इस पानी को हाई फ्लेम पर अच्छे से बॉयल होने दीजिए। इसके अंदर हमने ये सारे खड़े मसालों का इस्तेमाल इसलिए किया हुआ है ताकि चावल में एक बहुत बड़े सी खुशबू और टेस्ट आ सके। जब पानी एक बार अच्छे से बॉयल हो जाए तब इन सारे खड़े मसालों को आप बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि अब इसका जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर आ चुका है।
अब जो 2 कप बासमती चावल को हमने भिगो कर रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब आपको इस चावल को हाई फ्लेम पर तब तक उबालना है जब तक ये 70% कुक नहीं हो जाता। हमें इस चावल को पूरी तरीके से नहीं पकाना है, इसको हम हल्का सा कच्चा ही रखेंगे क्योंकि बाद में जब हम दम लगाएंगे तो ये चावल और भी कुक होंगे। अगर इस स्टेज पर आप चावल को पूरा पका लोगे तो जब हम दम लगाएंगे तो चावल और भी ज़्यादा कुक होंगे, जिसकी वजह से वो एकदम ही सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर बिरयानी खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच जितना लेमन जूस और इसको हम इसमें एक बार फटाफट से मिक्स कर लेंगे। चावल जब ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाए तब हम इसमें फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच जितना केवड़ा वाटर और 1 बड़ी चम्मच जितना रोज़ वाटर। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इससे चावल के अंदर बहुत ही बढ़िया सी खुशबू और फ्लेवर आता है। चलिए अब ये जो चावल है ये 70% कुक हो चुके हैं। आप चाहो तो इसको चख कर देख सकते हो या फिर हाथों से हल्का सा तोड़कर भी देख सकते हो। अब फटाफट से गैस को कर दीजिए बंद, इससे से सारा पानी स्ट्रेन कर लीजिए और एक गर्मा गर्म चावल को एक बड़ी सी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और स्प्रेड कर लीजिए। ऐसा हमें यहाँ पर इसलिए करना पड़ रहा है ताकि जो चावल है वो अपनी ही गर्मी के कारण और ज़्यादा कुक ना हो जाए। चलिए चावल को रखते हैं साइड पर और अब हमारी जो सब्ज़ी है वो अच्छे मैरिनेट हो चुकी है। तब एक बड़ी सी कढ़ाई में या फिर एक हांडी में हमें लेना है 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। जितना तेल का इस्तेमाल किया है उतना ही हम घी का भी इस्तेमाल करेंगे। घी का इस बिरयानी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो घी का आप इसमें ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। जब तेल और घी अच्छा गर्म हो जाए तब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो ये इसमें जाएगी 2 सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, 1 तेज़पत्ता, 4 से 5 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और 8 से 10 काले मिर्च। अब इन खड़े मसालों को हमें स्लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनना है। चलिए इनको भुने हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुकी है तो इस स्टेज पर आप चाहो तो इन खड़े मसालों को बाहर निकाल सकते हो ताकि बिरयानी खाते टाइम में बीच में ना आए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच जितनी अदरक और लहसुन की पेस्ट। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरे मिर्च जिसको मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया था। अब इन दोनों को हमें मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनना है। चलिए अदरक लहसुन और हरे मिर्च तीनों अच्छे से भून चुके हैं तो अब जो सब्ज़ी हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसमें इस समय पर थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो। मैंने चावल उबालते समय भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ था और सब्जियों के मैरिनेशन में भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ था, इस वजह से मैं यहाँ पर इसमें अभी नमक का इस्तेमाल नहीं करने वाला। इन सब्जियों का मैं मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। आज तो हम ये वेज दम बिरयानी बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये जानना हो कि वेज हैदराबादी बिरयानी कैसे बनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, मैं वो भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप चाहो तो इन सब्जियों को ढक कर भी पका सकते हो ताकि अच्छे कुक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। इनको अब बीच बीच में चलाते भी रहेगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। चलिए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुकी है और ये सब्जियाँ अच्छे कुक हो चुकी है। इस टाइम पर आपके पूरे घर में बिरयानी की जो बढ़िया सी फ्रेग्रेंस स्प्रेड होने वाली है ना, मैं बयां नहीं कर सकता। इसकी महक से आपके घर वाले वाकई में बिरयानी खाने के लिए तड़पना शुरू हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसमें से आधी सब्जियाँ आप साइड पर बाहर निकाल लीजिए और ये जो सब्जी हमने साइड पर रखी हुई है इसको हम बाद में लेयरिंग करते समय पर यूज़ करेंगे। चलिए अब हम बिरयानी की लेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आपकी हांडी में जो सबसे पहला लेयर होगा वो इन सब्जियों का होगा। इसके बाद हम इसके ऊपर जो चावल हमने पका कर रखा हुआ था वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। चावल को आप हर तरफ इवनली स्प्रेड कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल इसमें सारा का सारा चावल आपको ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा चावल साइड पर बचा कर रखिएगा जो कि हम सबसे ऊपर वाले लेयर में ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 से 2 चुटकी जितना बिरयानी का मसाला स्प्रिंकल करेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी हम स्प्रिंकल करेंगे। इलायची पाउडर का इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब साइड पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केसर का दूध लिया हुआ है। इस केसर वाले दूध को बनाने के लिए मैंने 1/4 कप गर्म दूध लिया हुआ था जिसमें केसर को घोल कर रखा हुआ था। तब इस चावल के ऊपर हम 2 से 3 बड़ी चम्मच केसर वाला दूध ऐड करेंगे। इस केसर वाले दूध से इस बिरयानी के अंदर बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आने वाला है। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना और धनिया। फिर जो शुरू में हमने बेरेस्ता बनाया हुआ था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। आपको यहाँ पर इसमें कितने बेरेस्ता का इस्तेमाल करना है ये आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। चलिए बिरयानी की जो पहली लेयर है ये रेडी हो चुकी है और इसी तरह से हमें दूसरी लेयर को भी बनाकर रेडी करना है। जो सब्जी हमने साइड पर बचा कर रखी हुई थी वो सारी सब्जी हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। फिर जो बाकी का बचा हुआ चावल था वो हमें यहाँ पर इसमें ऐड करना है। फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा बिरयानी का मसाला और थोड़ा सा इलायची पाउडर। फिर वापस हम इसमें थोड़ा सा केसर वाला दूध ऐड करेंगे। फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा बेरेस्ता, थोड़ा सा धनिया और पुदीने के पत्ते। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच केवड़ा वाटर,
और एक बड़ी चम्मच रोज़ वाटर। और अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 बड़ी चम्मच घी। इसमें इस तरह से ऊपर से घी डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। चलिए बिरयानी की सारी लेयरिंग रेडी हो चुकी है, तो अब हमें इस बिरयानी में दम लगाना है। तो दम लगाने के लिए आपको इस हांडी को अच्छे से बंद करना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटा गूंथ कर रखा हुआ था, और ये जो हांडी की साइड्स है इसके ऊपर हम इस आटे को हर तरफ स्प्रेड कर लेंगे। अब इस हांडी को आपको सीधा गैस के ऊपर नहीं रखना है, वरना जो नीचे की सब्जियाँ है वो पूरी तरीके से जल जाएगी। तो पहले आपको गैस के बर्नर पर इस तरीके का एक तवा रखना है, और फिर इस तवे के ऊपर हम हांडी को रखेंगे। ऐसा करने से जो सब्जियों का लेयर है वो जलेगा नहीं। अब एक लिड की सहायता से हम इसको अच्छे से ढकेंगे। आपके लिड में अगर इस तरीके का एक होल है तो आप इसको भी कवर कर लीजिएगा। अब इस बिरयानी को हमें स्लो फ्लेम पर तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए पकाना है। ये बिरयानी बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जब एंड में ये बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी तब खुद से ये कहोगे कि यार इतनी टेस्टी बिरयानी मैंने घर पर कैसे बना ली। चलिए तकरीबन 20 से 30 मिनट हो चुकी है, और आप देखोगे कि ये जो साइड पर डो है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। तो बस इस ढक्कन को आप हटा लीजिए, और साइड पर ये जो डो है इसको भी आप बाहर निकाल लीजिए। तो लीजिए, ये हमारी एकदम ही ज़बरदस्त वेज दम बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। दिखने में ही ये इतनी टेम्पटिंग लग रही है ना, इसको देख कर ही आपको उसको खाने का मन करेगा। तो आइए इस बिरयानी को हम सर्व करते हैं। तो कभी भी बिरयानी को बीच में से निकालने की कोशिश मत करिएगा, बिरयानी को हमें हमेशा साइड से ही खोलना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो नीचे का लेयर है वो ज़रा भी नहीं जला है, और सारी चीज़ें एकदम ही अच्छे से कुक भी हो चुकी है। तो लीजिए, ये हमारी एकदम ही ज़बरदस्त वेज दम बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी, तो आप एक बार इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।